हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई, जिसके लिए हमने ये चिकन ले लिया। और हम बनाएंगे चिकन का चपली कबाब, जिसके लिए हमने ले लिया ये चिकन बोनलेस का पीस। उसके अलावा ये प्याज, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च वगैरह ये सब, और ये हैं सब मसाले। अब हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, चिकन फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद हम अभी ये सब चीज़ें की कटिंग करेंगे। फिर हम मैं आपको मिलती हूँ ये सब चीज़ों की कटिंग करने के लिए। हमने चूल्हा ऑन कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल, 1 कप हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। और अब हम इसको अब ये ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन फ्राई करने के लिए। हम इसको ऐसे इसको डाल दिया। हम साथ ही इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इन दोनों 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला जो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था। और अब हम इनको आपस में फ्राई करेंगे। हमारा चिकन फ्राई होना शुरू हो गया। अब मैंने यहाँ पर ये काटा हुआ इसके अंदर प्याज और हरी मिर्चें। अब हम इसको ये देखें, ये कितना फाइन चॉप हो गया। अब ये हल्का हल्का सा फ्राई हो गया। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में। अब हमने ये इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। प्याज, ये प्याज है, और इसके साथ में ये हरी मिर्चें। अब ये ज़रा हमने चॉप कर लिए, इसको चॉपर में डाल के। अब हम इसको थोड़ा सा चॉप होने देंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, हम बना लेंगे तब तक चिकन का जो हमें चप्पल कबाब लेना है। उसके लिए हम ये एक ब्रेस्ट का पीस, ये हमने अपने चॉपर के अंदर चिकन का जो पीस था वो डाल दिया। अब हम इसके अंदर प्याज कट करके डाल। अब हमने इसके अंदर ये प्याज, चिकन ऐड कर लिया था। इसके बाद हम इसके अंदर ये डालेंगे हरी मिर्चें 4, हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे। साथ में हम इसके अंदर ये अदरक डालेंगे, फ्रेश अदरक डालेंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, साथ में हम इसमें डालेंगे ये दादरी मिर्चें। सब अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले डाल सकते हैं इसके अंदर, मतलब कि स्पाइसी, नॉर्मल। और ये हम इसके अनुसार डालने लगे हैं ज़ीरा। हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, काली मिर्चें, नमक, कुटा, इसको कहते हैं कुटा हुआ धनिया पाउडर। थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल लेंगे ये चाट मसाला फॉर टेस्ट। एक अंडा भी ऐड कर लिया। अब हम इसको ये आप देख सकते हैं हमारा शामी उसका, ये आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला था उसका चप्पल कबाब का, ये हमारा तैयार हो गया। इतनी ये बिल्कुल इजी से क्विक सी रेसिपी है, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये हमारे यहाँ पर प्याज और हरी मिर्चें और फ्राई हो गई। अब हम इसके अंदर ये डालेंगे फ्राई हुआ हुआ चिकन जो हमने किया था लहसुन अदरक में। अब हम इसको ऐसे इसको मिक्स करेंगे। अब ये देखें, ये हमने इसको इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, हल्दी, ज़ीरा, मिर्चें दादरी पादरी कुटी हुई, और नमक, काली मिर्चें, और ये है सूखा धनिया। इसमें ये ऐड कर देंगे सारे मसाले। ये हमारे पास बाजार का 4 गोश मसाला, 2 चम्मच, ये भी हम इसके अंदर चिकन में मसाले डालकर ऐड हो। ये हमारा फ्राई इसके अंदर मसाला पूरा हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो, और ये हमारे पास मसालों का आप कोई भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये हम डालेंगे 1/2 बाउल हमने इसके अंदर डाला, ये ऐड कर दिया। अब हम इसको 10 मिनट पकने के लिए। ये अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर लेंगे, 2 लेमन्स का फॉर टेस्ट।
और हम इसके लिए थोड़ी सी हरी मिर्ची हमने कटिंग की हुई है, हम इसके लिए ये ऐड कर। अब हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया। और हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला, हमने इसको जस्ट मसाले से ही बनाया आपके सामने। कोई इसके अंदर पानी कुछ भी हमने ऐसे ऐड नहीं किया, बस दही टमाटर वगैरह ऐसे ही ऐड किया जिससे इसकी ग्रेवी बन गई है, और हमने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। तो ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया, इसका मतलब ये भुना गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे धनिया, धनिए से हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे, और साथ में हम इसके अंदर थोड़ी सी ऐसे हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे। और ये हमारी कढ़ाही जो है वो तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी लग रही है ये। और ये हमारी ज़बरदस्त सी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। मेरे हस्बैंड ज़रा तरी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से मैंने तरी ज़्यादा रखी है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप ऑयल अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसकी इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये थी आज की रेसिपी, मिलेंगी कल दोबारा एक नए ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। कबाब जब मैं फ्राई करूँगी तो मैं उसकी पिक्चर्स के साथ अटैच कर दूँगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।